देखिए, अब हम लोग पढ़ना है, कल हमने पढ़ा था साउंड के बारे में, नहीं साउंड वेव के बारे में और टाइप्स ऑफ वेव के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव, मतलब एक साउंड वेव का क्या क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें होते हैं पांच होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन होते हैं। पहला आपका वेवलेंथ है, सेकेंड आपका एम्पलीट्यूड है, थर्ड आपका टाइम पीरियड, उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी और लास्ट आपका है वेलोसिटी ऑफ द वेव। ये दिया जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव। तो फर्स्ट जानते हैं व्हाट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का जो सिंबल उसका है लेमडा, इसे कहते हैं लेमडा, ठीक है। ये वेवलेंथ को नोट करेंगे लेमडा से। तो वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। अगर हम एक बात करें इसके, तो देखो यहाँ से हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या कहलाएगा हमारा लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, ये क्या हमारा जीरो डिस्टर्बेंस, और ये क्या कहते हैं इसको क्रेस्ट, इसे क्या बोलते हैं ट्रफ, क्रेस्ट और ये ट्रफ। तो जो ऊपर जो एलिवेशन है इसे हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे जो है डिप्रेशन इसे बोलते हैं ट्रफ। नीचे वाले डिप्रेशन बोलते हैं, नीचे क्या बोलते हैं डिप्रेशन, ऊपर क्या बोलते हैं एलिवेशन। तो दो एलिवेशन की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे वेवलेंथ, क्लियर। द डिस्टेंस बिटवीन टू टू एलिवेशन टू क्रेस्ट, टू क्रेस्ट या टू ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। वेवलेंथ का एसेंट क्या जाएगा मीटर। नाउ नेक्स्ट हम क्या हमारा है एम्पलीट्यूड, इसको नोट करते हैं हम सिंबल ए से। इसका सिंबल, इस वर्ड का सिंबल ए है, जैसे इस वर्ड का सिंबल क्या था लैम्डा था, ठीक है। और इसके असाइनमेंट क्या है मीटर, ये ध्यान रखना आपको है, सिंबल अलग है और असाइनमेंट अलग है। उसका क्या एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से जितना हाइट अबव राइज किया है, नहीं या जितना नीचे की तरफ गया है, ये क्या कहलाएगा हमारा एम्पलीट्यूड कहलाएगा। द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस नहीं प्रोड्यूस इन द मीडियम ऑफ द पार्टिकल, द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजिशन, कहाँ से अनडिस्टर्ब पोजिशन से, जितने उस मीडियम के पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्टर्बेंस हो, मतलब जितना ये राइज किया हो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से, उसे हम लोग क्या बोलेंगे एम्पलीट्यूड। समझ गए, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस जितनी ऊंचाई से जाएगी, नहीं जितना नीचे जाएगा दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ओके। अच्छा आपसे पूछेगा ये भी एम्पलीट्यूड है क्या, कह रहा है मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, क्या कह रहा है मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, जहाँ से लास्ट गया हो यहाँ से, ठीक है, ये क्लास का एम्पलीट्यूड, ओके। इस एम्पलीट्यूड का ये भी क्या एक डिस्टेंस ही है, नहीं तो उसका भी असाइनमेंट क्या जाएगा मीटर, क्या जाएगा मीटर, तो यहाँ से डिफाइन लिख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का सिंबल क्या होगा टी, ठीक है। इसको इसके वर्ड के लिए सिंबल टी है, और इसका असाइनमेंट क्या जाएगा सेकेंड, ठीक है। नाउ इसका डिफाइन क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव, एक कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस करने में जितना समय लिया गया हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक, देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो गया हुआ, इसे कहते हैं वन कंप्लीट वेव, क्या बोलेंगे पॉइंट ए से लेके कहाँ तक पॉइंट बी तक, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसमें एक क्रस्ट हो और क्या हो ट्रफ हो, तो इसे कहते हैं कंप्लीट वेव कहेंगे। तो एक कंप्लीट वेव को पूरा करने में जितना समय लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। इसका असाइनमेंट क्या हो जाएगा, इसका असाइनमेंट सेकेंड, क्लियर। द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव, और यहाँ लिखा वर्ड कंप्लीट, क्या लिखा हुआ है कंप्लीट, कंप्लीट समझते हो ना क्या होता है कंप्लीट का मतलब, जिसके अंदर क्या हो ट्रफ हो। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी, इसका सिंबल है एफ, स्मॉल एफ, सिंबल क्या है स्मॉल एफ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में जितने कंप्लीट वेव प्रोड्यूस हो जाएं उसे क्या बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे आपने देखा होगा वो देखो क्या कहते हैं जो ड्रम होता है ड्रम, अगर उसको ड्रम स्टिक से उसको बीट करोगे तो आप देखो बहुत ज़्यादा क्या करता है वाइब्रेट करता है, क्या करता है तो बैक एंड फोर्थ एक कंप्लीट वेव कहलाएगा। तो मान लो वो एक सेकेंड जितना तेज वाइब्रेट कर ले, जितना तेज वाइब्रेशन उसका प्रोड्यूस हो जाएगा उस समय क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, क्या बोलेंगे मतलब एक सेकंड में जितना एक कंप्लीट वेव प्रोड्यूस हो, नहीं याद समझ आया फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस इन वन सेकंड, एक सेकंड में जितने ज़्यादा से ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस होंगे वो क्या क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी।
तो आप जो ड्रम स्टिक पे जब बीट करते हो, ड्रम पे बीट करते हो स्टिक से, तो क्या होता है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो अगर वो एक सेकंड में जितने ज़्यादा वेव प्रोड्यूस हो जाए वो कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी का असाइनमेंट क्या होता है, हर्ट्ज, सिंबल HHZ, ठीक है। ओके, लास्ट आपका टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ द वेव। वेलोसिटी ऑफ द वेव का मतलब हो गया द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए वेव इन वन सेकेंड। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए वेव इन वन सेकेंड मतलब डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम को क्या बोलते हैं, स्पीड ही बोलते हैं। नहीं तो एक सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मतलब जितना वेव लेंथ कवर किया, जितना वेव लेंथ, क्लियर है। एक सेकेंड जितना वेव लेंथ कवर होगा वो क्या कहलाएगा, उसकी स्पीड ऑफ द वेव कहलाएगा या वेलोसिटी ऑफ द वेव। इसका असाइनमेंट क्या जाएगा, मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो ये हमारे हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव। दे आर द फाइव टर्म्स दैट डिस्क्राइब ए वेव, ठीक है। नाउ अब मुझे यहाँ पे जानना है वेलोसिटी ऑफ द वेव से एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, अभी आपको उसके बारे में बता रहे हैं। तो आप इसको लिख लो, पहले लिख लीजिए लोग, चलिए हाँ देखो चलो। नेक्स्ट टाइम क्या आपका वेलोसिटी ऑफ ए वेव, तो अब इसका डिफाइन हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव इन वन सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन नहीं इज नॉन एज वेलोसिटी। इसका सिंबल क्या होगा, वी, वेरी गुड। अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल बाई किसके द्वारा, वेव के द्वारा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव क्या होता है, वेव लेंथ होता है, क्या होता है, वेव लेंथ। तो वेव लेंथ का सिंबल क्या होता है, लैम्डा। और टाइम टेकन कर सकते हैं टी, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वन बाई टी, क्या लिखा हुआ है, वन बाई टी क्या है, वन बाई टी क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का हमने क्या लिखा, डिफरेंस बताओ, फ्रीक्वेंसी का था डिफरेंस बताओ, वन सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन वन सेकेंड। वन बाई टी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, वन बाई टी को हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन वन सेकेंड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वन बाई टी, यह कहलाता है फ्रीक्वेंसी। तो इसका इस वन बाई टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी से, चल सकते हैं। तो लेमडा इंटू क्या बन जाएगा, एफ, क्या बनेगा, एफ। चल सकते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा, वन बाई टी, ठीक है। अब ये क्या हमारा हो गया, वेव लेंथ, और ये क्या हमारा हो गया, फ्रीक्वेंसी, ये क्या हमारा हो गया, वेलोसिटी। तो लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू क्या होता है बताओ, वेवलेंथ, वेवलेंथ इनटू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। ये बन गया एक फॉर्मूला। अब इसको हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इसको आप लिख लो। ये बन गया एक हमारा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ द वेव इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी।